ये देखिए, ये जो प्लेन है इसका जो ये आपका ये बनाया गया था उस टाइम में, ये लकड़ी का, और इसी से ऐसा कहा जाता है कि रघुवंश जी बाहरी जो यात्रा होती थी वो अपने हेलीकॉप्टर और प्लेन से करते थे। उस टाइम में इसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में था। उस टाइम में खरीदा गया था, जो कि अभी भी यहाँ पे कुर्सेला में मौजूद है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है, बाकी सारा कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ से ये सिर्फ स्ट्रक्चर है हेलीकॉप्टर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से लोहे के एंगल से इसको बनाया गया था, और इसी से ऐसा कहा जाता है कि रघुवंश जी बाहरी जो यात्रा होती थी वो अपने हेलीकॉप्टर और प्लेन से करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसका स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये उस टाइम का ये मर्सिडीज़ हुआ करता था, जो कि अभी अभी भी जो मर्सिडीज़ है, ये उस टाइम का ये मर्सिडीज़ यहाँ पे है, जो कि रघुवंश जी का ही था। और आप देख सकते हैं कि अभी तो किसी भी गाड़ी में, किसी भी मर्सिडीज़ में अभी जो स्टीयरिंग होता है वो राइट साइड में होता है, लेकिन उस टाइम में इसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में था। ये देख सकते हैं, ये मर्सिडीज़ के आगे का ये पार्ट है, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप
आपको ये देख के लग सकता है कि ये कितने दिन से यहाँ पे रखा हुआ होगा ये चीज़। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये लकड़ी से बनाया जाता था। और ये जो जगह है ये NH से एकदम बगल में है, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह का आवाज़ आते रहता है। तो ये देखिए ये प्लेन का ये जो आगे का मशीन है, इसको कैसे बनाया गया था उस टाइम। और ये हेलीकॉप्टर का बस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो कि लोहे के एंगल से इसको बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, सड़ चुका है, कबाड़ी हो चुका है। और वो मर्सिडीज़, ये प्लेन और ये हेलीकॉप्टर। और आप लोग इस जगह पे आ सकते हैं, जो भी आसपास के हैं, बहुत लोगों को पता है इस जगह के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट या आसपास के या बाहर से भी जो भी लोग, जिसको देखना है कि पहले का जो प्लेन होता था वो कैसा होता था, कैसा दिखता था, और जो हेलीकॉप्टर का जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे, जो मर्सिडीज़ लगी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला ब्लॉक में ये पड़ता है, और ये जगह जो है ये थाना रोड में ये जगह पड़ता है, जो कि NH 31 को क्रॉस करके आप लोग रामपड़ी कॉलेज के तरफ अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जगह आता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये सब चीज़ों का अनुभव ले सकते हैं कि जिस टाइम में लोग को बाइक नहीं मिल पाता था, लेकिन यहाँ के राजा प्लेन से उड़ा करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जो है बस यही है, बस उनकी आखिरी निशानी ये बची है। अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं पीछे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर या मर्सिडीज़ लगी हुई है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग ज़रूर आएँ, और NH के जस्ट पास में पड़ता है, NH 31 जो है वो जस्ट पास में पड़ता है। यह आपका थाना रोड रामपड़ी कॉलेज से कुछ डिस्टेंस की दूरी में ही पड़ता है, जो कि बहुत सालों से रखा गया। जिस टाइम यहाँ पे मोटरसाइकिल कोई नहीं देख पाता था, उस टाइम से ही ये आपका रखा हुआ है, और ये अभी पूरा कबाड़ बन चुका है। ये रघुवंश बाबू का आखिरी निशानी यहाँ पे है। तो आप लोग आइए यहाँ पे, और इतना ही, और कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। जो कि ये हवाई अड्डा था यहाँ पे, तो वहाँ पे अब खेती होने लगा है, और ये छोटे से ये जगह पे इसको कवर करके ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग ज़रूर आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ के बारे में जानिए। सो आप लोग ज़रूर आइए। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला में पड़ता है, NH 31 के बगल में, रामपड़ी कॉलेज वाले रोड में, थाना रोड जिसको बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए।